मारे दरवाजा खुला छोड़ा ही है ना। हाँ शुरू करो। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने टॉर्क मैग्नेटिक करंट कैरिंग क्वाइल करंट कैरिंग क्वाइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने ये देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप या मैग्नेटिक डाइपोल के साथ कितना एसोसिएटेड होता है उसको हमने कैलकुलेट किया था। फिर हमने देखा था कि किसी भी करंट कैरिंग क्वाइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें या मैग्नेटिक डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें तो क्या होता है, उसका मोशन जो होता है वो SHM होता है और उसका टाइम पीरियड कितना होता है, T=2π√i/mv। इससे न्यूमेरिकल हम और ज़्यादा देखेंगे, कहाँ जब हम बार मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहाँ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से देखेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक और लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ है कि कोई भी करंट कैरिंग कोई भी चार्ज बॉडी यदि मूव करता है ना, तो उसके वजह से भी क्या होता है, करंट जनरेट होगा और करंट जनरेट होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और यूं बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल भी क्या होगा, फॉर्म होगा। तो कोई भी चार्ज बॉडी यदि रोटेट होता है तो उसको भी हम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल की तरह हम ट्रीट करेंगे। अब इसमें यहाँ कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है तो हम क्या करेंगे, सिगमेंट में डिवाइड करके मैग्नेटिक डाइपोल डिफरेंशियल का कैलकुलेट कर लेंगे और यदि डायरेक्शन सेम हो तो सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। या यहाँ आपको ये माइंड में रखना है कि एनी चार्ज बॉडी इज रिवॉल्विंग, इफ एनी चार्ज बॉडी इज रिवॉल्विंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस है ना, या अबाउट गिवन एक्सिस, देन इट विल फॉर्म मैग्नेटिक डाइपोल। तो यदि ये मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म कर रहा है तो हम मैग्नेटिक डाइपोल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और शायद जब मैं डाउट सेशन क्लास ले रहा था इसके पहले तो मैंने उसमें बताया भी था कि एक चार्ज कंडक्टिंग डिस्क है जिसपे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसको अपने एक्सिस के अबाउट कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, है ना, वहाँ मैंने बताया भी था। लेकिन फिर से आज देख रहे हैं ये जितने भी अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आप HC वर्मा के लास्ट में सभी प्रॉब्लम दिए हुए हैं, है ना। और तो अभी देखो हमने यहाँ क्या कंसीडर किया, पहले एक पार्टिकल कंसीडर किया, एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज क्या है, जिस पे चार्ज क्या है, क्यू है, क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जिसका मास क्या है, एम है, और उस सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस क्या है, आर है, उस पे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से क्या है, रोटेट कर रहा है। ये चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम इज रिवॉल्विंग ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एज शोन इन द फिगर ए एंड बी। देखो यहाँ ए एंड बी में मैंने क्या है दिखाया है, एक में हमने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया और दूसरे में क्या है, निगेटिव चार्ज कंसिडर किया है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एम, एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट सेंटर ऑफ द सर्कल यहां, और द रेशियो ऑफ एम एंड एल, दैट इज कॉल्ड प्रूफ दैट एम अपॉन एल इक्वल टू क्या होगा, 2/m, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक गायरोस्कोपिक रेशियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक गायरो ठीक है। अब देखो क्या है, ये जब चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो क्या होगा, ये सर्कल के अलोंग या क्वाइल के अलोंग क्या होगा, करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, जस्ट हम मूविंग चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, यदि हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सिंपल केस क्या हो जाएगा, बोथ द केस विल बी सिमिलर टू द क्या होगा, करंट कैरिंग क्वाइल, है ना। तो अब करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो मैंने ये बताया था जब करंट चैप्टर पढ़ा रहा था कि करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन अब क्या होगा, चार्ज। तो सिंपल क्या होता है, करंट जो होगा किसी भी केस में क्या होगा, करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन क्या होगा, टाइम पीरियड, करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज या ड्यू टू रोटेशन ऑफ चार्ज, यहाँ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2π अपॉन क्या हो जाएगा, ओमेगा, और इसको लिखो क्यू ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा,
क्या होगा इन दोनों केस में, क्या होगा हम क्या, ये करंट कैसे किधर फ्लो होगा यार, सरकमफेरेंस के अलोंग फ्लो होगा। यहां भी क्या होगा सरकम, ये दोनों जो चार्ज है ये जो दोनों केस होगा वो क्या होगा सिंपल क्या होगा करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल या लूप हो जाएगा जिसमें करंट क्या होगा आई फ्लो होगा। अब हम क्या करेंगे, यदि फिगर ए ड्रॉ करें तो आपको मालूम है कि यदि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो उसी के डायरेक्शन में क्या होता है करंट होता है, और निगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है करंट होता है। तो यहाँ यदि मैं इसको फिगर वन कंसिडर कर लूँ फिगर ए, और ये क्या होगा दिस इज नथिंग बट द फिगर बी। देखो सारे क्वेश्चन एच सी वर्मा के लास्ट में मिलेंगे आप। तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज है कैसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज दोनों। इस केस में करंट जो होगा वो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, आई मीन करंट क्या होगा दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा आई। तो सिंपल क्या हो गया करंट कैरिंग क्या हो गया क्वाइल हो गया, ये करंट कैरिंग क्या हो गया क्वाइल हो गया, दिस इज ओ एंड दिस इज नथिंग बट द आर। अगेन यहां भी देखोगे तो यहां करंट कैरिंग जो क्वाइल इसका करंट क्या हो जाएगा यार ऐसे हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दोनों केस में क्या होगा आई हो जाएगा, I इज इक्वल टू यहां क्या होगा क्यू ओमेगा अपॉन क्या होगा टू पाई, यहां भी क्या होगा क्यू ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा टू पाई। अब इस केस में आप देखोगे यहां इसका भी रेडियस क्या है आर है, ठीक है, तो यहां देखोगे यहां एरिया का या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड होगा इस केस में। तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आई इंटू एरिया आई इंटू ए के कैप। देखो के कैप आउटवर्ड हम के कैप मानते हैं, इसको क्या मानते हैं जेड एक्सिस मानते हैं, इनवर्ड इंटू द बोर्ड होगा उसको क्या मानते हैं माइनस जेड एक्सिस। अब यहां आप लिख सकते हो एम इज इक्वल टू क्या होगा आई आई मीन क्यू ओमेगा अपॉन टू पाई है ना इंटू ए, ए क्या होगा पाई आर स्क्वायर क्या होगा के कैप, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू क्या होगा क्यू ओमेगा अपॉन टू आर स्क्वायर क्या हो गया के कैप। सिमिलरली यहाँ भी देखोगे ठीक है यहाँ देखोगे तो क्या हो जाएगा अगेन यहाँ भी क्या होगा एम इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होगा क्यू ओमेगा अपॉन टू आर स्क्वायर यहाँ क्या होगा माइनस के कैप। इधर जो एम का जो डायरेक्शन होगा देखो एम का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा डॉट हो जाएगा इनटू हो जाएगा, यहाँ जो एम का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा डॉट हो जाएगा आउट ऑफ द बोर्ड, यहाँ इनटू द बोर्ड यहाँ क्या होगा आउट ऑफ द बोर्ड होगा। दोनों केस में क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट जो क्या होगा तो क्या होगा व्हेन एवर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ देन दिस इज द सिमिलर टू द क्या होगा करंट कैरिंग, दिस विल बी इक्वेलेंट टू द करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, क्या होगा इन विच द करंट इज इक्वल टू Q omega upon क्या होगा 2 pi, Q omega upon 2 pi, क्या होगा Q omega upon 2 pi, ठीक है। तो अपने को magnetic moment vector क्या हो गया मालूम चल गया है ना कि magnetic moment इस केस में क्या होगा magnetic moment जो होगा outward होगा, इस केस में क्या होगा into the board होगा, और दोनों केस में magnetic moment जो होगा क्या होगा Q omega r square k cap by 2, यहाँ क्या होगा Q omega r square by क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद तो magnetic moment हमने calculate कर लिया, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है बी में क्या है, अब देखो यहां एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर सेंटर ऑफ द क्या होगा सर्कल। देखो हमेशा क्या कर रहा है आपको करंट निकालना है, करंट निकाल करके क्या करना है सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज करना है, क्या होता है आई ए आई इंटू ए आई इंटू ए ठीक है सर्कल। तो यहां क्या होगा देखो एल एल अबाउट सर्कल में एल अबाउट ओ, अगेन जब लिखोगे देखो तो यहां एल अबाउट ओ या सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा आई अबाउट सेंटर ऑफ द सर्कल इंटू क्या होगा ओमेगा, और दोनों केस में क्या होगा हमेशा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है ओमेगा के डायरेक्शन में होता है, तो ये क्या होगा ठीक है ठीक है। अब यहां किसी भी पार्टिकल के साथ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एम आर स्क्वायर होगा, यहां तो क्या होगा एम एम मास इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। अब यहां मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या होगा एम आर स्क्वायर क्या होगा
सी जो पार्ट है वो क्या है, सी जो पार्ट है क्या है, एल अपॉन सॉरी एम अपॉन क्या कर रहा है, एम अपॉन एल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम एम अपॉन एल। एम का वैल्यू रखो तो कितना होगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा, एक कैंसिल हो जाएगा देखो है ना, ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन क्या हुआ टू एम। तो जनरली हर केस में ये वैलिड होगा, बाद में हम लिखेंगे कि यदि क्या होगा चार्ज यूनिफॉर्मली, अभी देखेंगे कि चार्ज डेंसिटी, अभी तो सिंपल है पार्टिकल है और हम रिंग के केस में भी पढ़ रहे हैं। दूसरा एक एग्जांपल देखो, तो ये क्या हुआ रेशियो ऑफ एंगुलर, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा चार्ज डिवाइडेड बाय 2 इनटू मास, चार्ज डिवाइडेड बाय 2 इनटू मास। ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आई मीन डायरेक्ट ए वैल्यू पूछ दिया है कि इसका रेशियो क्या होता है ना, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना चाहिए। दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है रिंग, अब हम रिंग पढ़ लेंगे यार है ना। देखो सिंपल एक क्वेश्चन सेकंड एग्जांपल में लिखता हूं कि क्या है ये चार्ज सर्कुलर रिंग, क्या है ये चार्ज सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज रिवॉल्विंग अराउंड द क्या होगा अराउंड द अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इफ द चार्ज ऑन द रिंग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन अगेन क्या करना है फाइंड मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम एंड रेशियो। तो देखो यहां मैं सिंपल क्या है ये रिंग है, देखो यही क्या है दिस इज नथिंग बट द रिंग है ना, और इस पे चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग का क्या है रिंग का जो मास है वो क्या है एम है, मास ऑफ द रिंग इज एम ठीक है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है कैसे ऐसे कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड, ये क्या है कॉन्स्टेंट है। तो अगेन क्या करना है फाइंड, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली फाइंड क्या होगा ए में क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है वेक्टर, देखो ये भी क्या होगा व्हेन द चार्ज कंटेनिंग चार्ज रिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड क्या होगा एक्सिस देन इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्या होगा एम, दूसरा क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और तीसरा क्या होगा फाइंड क्या होगा एम अपॉन क्या है एल, एम अपॉन एल क्या होगा। अगेन यहां भी हम क्या करेंगे, यहां भी देखो यहां हमेशा याद रखना है कि यहां सरफेस चार्ज सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, यहां मैं आपको बता देता हूं कि लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा क्यू अपॉन टू पाई क्या होगा आर, और देखो ये क्या है कांस्टेंट है, यहां लिख देता हूं क्या है कांस्टेंट, यदि वेरिएबल होगा तो फिर वो वाला रिजल्ट हम नहीं यूज, इसलिए मैं प्रूफ करके बता रहा हूं। अगेन क्या होगा देखो ध्यान से कि यदि मुझे यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां एक छोटा करंट एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे यार सॉरी चार्ज एलिमेंट डी क्यू है ना डी क्यू, तो डी क्यू कितना होगा यार देखो तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा लेमडा इंटू डी आर, इसका लेंथ क्या है डी आर है, ये वाला लेंथ हमने क्या मान लिया डी आर कोई डाउट नहीं है। अब dq लैम्डा dr क्या है लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा dr, और लैम्डा का वैल्यू क्या रखोगे देखो यहां q अपॉन क्या रखोगे 2 पाई r इनटू क्या होगा dr। अब मुझे di लिखना है यार आई मीन करंट ड्यू टू मोशन ऑफ दिस डिफरेंशियल चार्ज dq,
करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ दिस डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू. डी आई क्या है? करंट ड्यू टू मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज डी क्यू. तो क्या हो जाएगा? डी क्यू अगेन क्या लिखेंगे? ओमेगा डी क्यू अपॉन टी, आई मीन क्या लिखेंगे? डी क्यू इंटू क्या लिखेंगे? ओमेगा अपॉन टू पाई. अब यहां डी आई कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? डी आई जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो डी आई है ना, डी आई इक्वल टू क्या होगा? डी क्यू का वैल्यू रख दो तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, डी आई तो डी आई डी क्यू, डी क्यू का वैल्यू रख दो तो ओमेगा अपॉन क्या है? टू पाई इंटू क्या है? क्यू अपॉन टू पाई आर इंटू क्या है? तो आई यहां कैलकुलेट कर सकते हो, आई कितना होगा? तो देखो ओमेगा अपॉन क्या होगा? टू पाई है ना, इंटू क्या होगा? क्यू अपॉन टू पाई क्या होगा? आर इंटू क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? टू पाई आर हो जाएगा. यार कैंसिल हो गया, तो यहां भी करंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? तो यहां भी करंट क्या हो गया? रिंग में करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा? क्यू ओमेगा अपॉन क्या हो गया? टू पाई. ये करंट चैप्टर में मैंने बताया है. तो यहां हम बोल सकते हैं कि चार्ज कंडक्टिंग रिंग विल बी हैव लाइक क्या होगा? करंट कैरिंग. यहां क्या होगा? हैंस. क्या हैंस हम बोल सकते हैं? चार्ज्ड कंडक्टिंग रिंग, चार्ज कंडक्टिंग रोटेटिंग रिंग क्या होगा? चार्ज कंडक्टिंग रोटेटिंग रिंग विल क्या होगा? विल वी हैव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, तो सिंपल क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे? रिंग को एक करंट से रिप्लेस कर देंगे. आई मीन रिंग को क्या करेंगे? चार्ज रिंग को हम क्या करेंगे? करंट कैरिंग क्वाइल से क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे, जिसका रेडियस रिंग के रेडियस के क्या होगा? इक्वल होगा. और करंट कितना हो जाएगा? क्यू ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा? टू. इसका मास दिया हुआ है टू पाई. ठीक है, सॉरी इसका मास कितना दिया हुआ है? एम दिया है. अगेन ये क्या होगा? अब देखो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जब कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि एम, अगेन देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो एम का डायरेक्शन क्या होगा? आउट होगा. तो एम वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां भी क्या होगा? क्यू ओमेगा बाई टू आर स्क्वायर है ना. क्या लिखोगे? क्यू ओमेगा, या मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, आई पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? के कैप. जब ये वैल्यू रखोगे तो एम इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर टू क्या होगा? के कैप. ठीक है, तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट मालूम चल गया. तो ये भी क्या होगा? कोई भी चार्ज रिंग है और वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या है? मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन, आई मीन एक्सिस के अबाउट क्या है? रोटेट कर रहा है ना, कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड से. तो वो क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म करेगा, है ना. क्या करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म करेगा, हुज मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू इंटू क्या होगा? की कैप. तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एम का जो वैल्यू होगा क्या होगा? एम का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई क्या होगा? अब रिंग का एंगुलर मोमेंटम हम रोटेशनल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना, कि रोटेशन में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द क्या होगा? ऑफ रिंग अबाउट इट्स एक्सिस. कितना होगा? एल इक्वल टू क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इनटू, और यहां भी आप देखोगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? के कैप. क्योंकि देखो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? आउट ऑफ द, ऐसे रोटेट हो रहा है ना यार. तो यहां भी क्या होगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा क्या हो जाएगा? के कैप एल, और एल का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा. एल
क्या है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सी में क्या है यार, एम बाई क्या कैलकुलेट करना है, एम बाई एल इज इक्वल टू क्या है, डायरेक्ट यहां भी लिखोगे तो क्या होगा, क्यू अपॉन क्या होगा, टू। तो ये याद रखना है, रिजल्ट सी विल वैलिड ओनली व्हेन लैम्डा आई मीन लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द रिंग क्या है, कांस्टेंट है, ये याद रखना है। अदरवाइज यदि लैम्डा वैरी कर रहा है और ये फॉर्मूला यदि आप ये रिजल्ट यूज किए तो क्या होगा, आंसर गलत आएगा, क्या होगा, गलत आएगा, ठीक है, क्या होगा, गलत आएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, आई मीन क्या होगा, इक्वेशन सी विल क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं क्या होगा, एम बाई एल, इसको मैं इक्वेशन देता हूं, यहां नाम दे दिया है, इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ये याद रखना, इक्वेशन वन विल वैलिड वनली व्हेन क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज कांस्टेंट, ठीक है। चलो एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, हम दूसरा देखो, ये थर्ड न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर क्या है, यहां क्या है कि एक रॉड है, देखो ध्यान से, एक कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, स्मॉल एल, ठीक है, और इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां भी क्या है, यूनिफॉर्मली, ये चार्ज क्या है, क्यू है, इस पे मास क्या है एम और चार्ज क्या है क्यू, और ए एंड ए है और दिस इज, इसके अबाउट क्या किया गया है, इसको हिंज किया गया है, और ये इसके अबाउट क्या है, कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट ओमेगा क्या है, कॉन्स्टेंट, रोटेट कर रहा है। तो आपसे अगेन पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो, यहां भी देखना क्या होगा, ये रिंग का डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। तो यहां भी इन द सोन, यहां भी क्या करना है, फाइंड, क्वेश्चन समझ में आया, फाइंड ए में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, वेक्टर एम, ठीक है, बी में क्या है, एंगुलर मोमेंटम, याद रखना एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होगा कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में सोच रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम एल, और सी में क्या है, प्रूफ दैट, अगेन देखो सी में क्या है, प्रूफ दैट एम अपॉन क्या होगा एल, अगेन इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन क्या होगा, क्यू अपॉन ए प्रूफ करना है। अब देखो इसमें क्या है, यहां भी आपको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन समझ में आना कि क्या है, एक चार्ज रॉड है जिसपे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका लेंथ क्या एल है, मास क्या एम है, और क्या है किसी एंड के अबाउट, कोई जरूरी नहीं है कि एंड होना चाहिए, है ना, किसी भी अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या हम इसको रोटेट करा सकते हैं, वो मुझ पर डिपेंड कर रहा है। रिंग को भी हमने एक्सिस के अबाउट कोई जरूरी नहीं है, मैं बोलूँ कि नहीं डायमीटर के अबाउट यार रोटेट हो रहा है, तो ऐसा मत सोचना कि हाँ सिचुएशन अलग अलग हो जाएगा, बस मेथड यही है। तो हमने क्या किया, इसको एंड ए के अबाउट क्या कर रहे हैं हम, इसको कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड से क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखना कि ये क्या होगा कि यही रॉड है, क्या है ये रॉड है, इस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां यदि लैम्डा देखोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, यहां भी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट यही रिजल्ट आएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब ये इसके अबाउट क्या है, रोटेट हो रहा है, किसके अबाउट, ए के अबाउट, ए बी है, ए है, इसी के अबाउट क्या है, ए रोटेट हो रहा है। यहां से हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया, तो ये जब देखोगे तो डीएक्स चार्ज एलिमेंट जो है वो क्या है, सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस क्या होगा, आर होगा, उस पर क्या होगा, मूव करेगा, सॉरी आर नहीं, रेडियस क्या होगा, एक्स होगा, यही होगा ना यार, ये क्या होगा, ऐसे क्या होगा, मूव करेगा। उसी तरह क्या होगा, हर पार्ट जो होगा क्या होगा,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे क्या होगा, मूव करेगा, है ना। तो ये क्या करे, डीक्यू के कोरस्पोंडेंस ऑफ मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लें और इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन क्या है, जेई में पूछा हुआ है, लेकिन वहां लैम्डा कॉन्स्टेंट नहीं रखा है, लैम्डा क्या है, वेरिएबल रखा है। तो यदि आपको ये मेथड मालूम है, अब आप गलती से यदि केवल रिजल्ट याद किए कि q upon 2m, और ये भी उस ऑप्शन में है, देखना यदि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो q upon 2m यदि गलती से आपने लिखा तो आंसर क्या होगा, गलत क्या होगा, आंसर आएगा और -1 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहां बताया है ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। बाद में हम देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगा तभी हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगा तभी हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं। यदि चार्ज डेंसिटी वेरिएबल होगा तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे क्या होगा, मूव करेगा डिफरेंट रेडियस पे, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेंट्रिक चार्ज एलिमेंट के द्वारा हम क्या करें, करंट निकाल लें, इसके द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लें और फिर इंटीग्रेट कर दें, कहां, 0 to L, कहां है 0 to क्या है, L तक इंटीग्रेट कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां कि चार्ज एलिमेंट क्या होगा, लिख सकते हैं चार्ज एलिमेंट dx, चार्ज नहीं डिफरेंशियल चार्ज, सिंपल लिख देता हूं, डिफरेंशियल चार्ज dq विल क्या होगा, विल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ क्या होगा, रेडियस x विथ क्या होगा, विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड क्या होगा, ओमेगा। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, देखो यही क्या होगा, इसके मोशन से क्या होगा, करंट क्रिएट हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, di मान लेते हैं, ऐसे ही मूव करेगा और एक करंट क्या होगा, di। अगेन di कितना हो जाएगा, आप बता सकते हो, देखो dq क्या होगा, dq ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा, 2π। अब इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, अगेन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, हेंस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू क्या होगा, डिफरेंशियल करंट कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां dm इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो dm वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये रेडियस क्या हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा, क्या लिखेंगे, di इंटू क्या लिखेंगे, पाई एक्स स्क्वायर, और di का वैल्यू रखो यहां, तो di का वैल्यू क्या है, dq ओमेगा अपॉन 2π एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां k कैप लिख दो यार, k कैप, तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां जब आप वैल्यू लिखोगे, देखो यहां ध्यान से, dm इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा, है ना, dq को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dx, आई मीन लैम्डा x स्क्वायर dx k कैप, और लैम्डा को क्या लिख सकते हो, q upon L, अभी मैंने बताया था, यहां लिख सकते हैं dm इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा, है ना, q अपॉन क्या लिखेंगे, L एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो m हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा q, है ना, L, ठीक है। देखो यहां फिर 2 मैं बोल रहा हूं, 2 यहां क्या होगा, 2 है ना, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, है ना, 0 to L एक्स स्क्वायर डी एक्स के कैप, और m यदि आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ओमेगा q डायरेक्ट लिख देता हूं, L स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 6 के कैप। अब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो m का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ओमेगा q L स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, मालूम चल गया। अगेन देखो यदि लैम्डा कांस्टेंट नहीं होता तो ये लैम्डा किधर है, लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा तो हम इंटीग्रेशन साइन से इसको बाहर नहीं लिख सकते,
ठीक है, अगेन ध्यान देना है, अब हमने अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड किसी इसके एंड के अबाउट कितना होता है यार, ml स्क्वायर बाय 3। तो लिख सकते हैं कि नाउ क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्या होगा रॉड अबाउट ए कितना होगा, l इज इक्वल टू क्या होगा ml स्क्वायर बाय क्या होगा 3 होगा इनटू क्या होगा ओमेगा, यही होगा ना। अब वैल्यू रख दो यार, अगेन देखो m अपॉन क्या लिखोगे l इज इक्वल टू क्या होगा q अपॉन क्या होगा, ठीक है। रिंग वाला डिस्क का क्वेश्चन जो है वो मैंने क्या है बताया, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आपको यहां ध्यान देना है कि क्या होगा, इफ क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इफ चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट है ना, इफ द क्या होगा एन ए रोटेटिंग बॉडी है, क्या हो आइदर क्या हो चार्ज डिस्क हो और क्या हो रिंग हो रॉड हो है ना, हॉलो स्फीयर हो है ना, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और उस पर चार्ज डेंसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो ऑलवेज जो रेशियो ऑफ एम अपॉन एल जो होगा क्यू अपॉन क्या होगा 2m होगा, याद रखना है ना। तो इफ चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट है ना, यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ, ठीक है। यदि लैम्डा यहाँ वैरी होता तो आप क्या करते, तो एक होमवर्क देता हूँ, आप इसको ट्राई कर लेना और फिर हम क्या यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद मैं एक होमवर्क। तो क्या होगा इफ चार्ज बॉडी है ना, यहाँ नोट में लिख देता हूँ, इफ इफ चार्ज कंडक्टिंग बॉडी सच एज रिंग ठीक है रॉड रिंग है ना डिस्क सॉलिड आई मीन स्फीयर स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ क्या होगा विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा देन क्या होगा देन m अपॉन क्या होगा m अपॉन l विल बी क्या होगा q अपॉन 2m इफ चार्ज डेंसिटी क्या होगा चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट इफ क्या होगा चार्ज डेंसिटी याद रखना है चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट क्या होगा यहां मैं लिख देता हूं इधर है ना ये वैलिड तभी होगा जब क्या होगा चार्ज डेंसिटी क्यू क्या है चार्ज मैं लिख देता हूं इधर चार्ज एम क्या है मास तो ये क्या होगा एंगुलर स्पीड देन इतना एम अपॉन एल यहां लिख देता हूं ठीक है एबव रिजल्ट विल क्या होगा विल वैलिड इफ क्या होगा इफ चार्ज डेंसिटी पहले भी लिखा था चार्ज डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट ये ध्यान अब होमवर्क देता हूं इवन एचसी वर्मा भी ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं अब क्वेश्चंस क्या है देखो ये जेई का आया हुआ एग्जैक्ट मुझे डेटा याद नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है आप अब होमवर्क मैं देता हूं यहां क्या है कि देखो ध्यान से ठीक है ये क्या है यहां एक्स इक्वल टू मैंने जीरो मान लिया और यहां एक्स इक्वल टू क्या मान लिया है यहां लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नट इनटू क्या है एक्स दिया हुआ है लैम्डा क्या है चार्ज डेंसिटी ठीक है और ये रॉड जो है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से इस पॉइंट ए के अबाउट क्या है
ठीक है, क्या है ई के अबाउट मूव कर रहा है, इसका मास मान लेना, मास क्या है एम मान लेना, ठीक है, मास क्या है, तो फाइंड क्या है, फाइंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट है ना, ठीक है, क्या है फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम अबाउट, अबाउट क्या होगा ए। दूसरा एग्जाम्पल देख देख लो तुम, है ना, दूसरा एग्जाम्पल ये बताया हुआ है कि क्या है, एक डिस्क है, चार डिस्क, और यही क्या है एक्सिस है, इसके अबाउट कांस्टेंट एंगल, इसका रेडियस क्या है आर है, और इफ चार्ज क्या है क्यू और मास, ये क्या है डिस्क, ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से क्या है रोटेट हो रहा है, तो यहां भी क्या है फाइंड लिख देता हूं डायरेक्ट फाइंड एम, ठीक है, उसके बाद देखो आप कैलकुलेट करना और प्रूव कर लेना ये आ जाएगा। अगला जो एग्जांपल है वो देख लो कि हॉलो स्फीयर है या कंडक्टिंग शेल है, दिस इज क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दिस इज कंडक्टिंग शेल, ये सब एच सी वर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अब ये इसके अबाउट क्या है कांस्टेंट एंगल, और इस पे चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस क्या है आर है और मास क्या है एम है, देखें क्या करना है फाइंड एम, इसको भी क्या करना तुम कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या करना है फाइंड है, और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, है ना, तो ये होमवर्क है आप ट्राई करना, ठीक है, एक और क्वेश्चन है इवन दो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक रिंग है ना, इस पर क्या है प्लस चार्ज, क्या है प्लस चार्ज रखा, और रिंग क्या है यही क्या है एक्सिस, ये ऐसे क्या है रोटेट हो रहा है ऐसे, ये दिस इज एक्सिस, इसके सेंटर के अलोंग इसके एक्सिस के अलोंग क्या है ये करंट कैरिंग क्या है क्वाइल रखा गया है जिसका लेंथ क्या है करंट कैरिंग रॉड रखा गया है जिसमें करंट क्या आई फ्लो है, ये रॉड क्या है ए बी है, समझ में आना है, इस पर चार्ज क्या है क्यू है, इसका रेडियस क्या है आर है, ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या है रोटेट हो रहा है, तो इस पर आपको फाइंड आउट करना है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट करंट कैरिंग वायर ए बी एज सोन इन द फिगर, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर लेना, इवन एच सी वर्मा में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, और नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के क्या है अब हम क्या पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ रहे थे, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए वो उसी पे बेस्ड है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके बाद क्या है हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।